गिरफ्तार किया गया सी। अज 9 जून 1716 होगी, लगभग 6 महीने का समा है। 6 महीने बाद बच्चा अपने पिता नूं मिलन आ रहा वा। किहड़े हालातां दे विच मिल रहा वा कि सामने जिन्ने भी जाने पछाने चेहरे सन उन्हां दे सीस किते पए ने, उन्हां दे धड़ किते पए ने। भज के सहमया होया बच्चा अपने बाप की गोदी च जाके बैठ जाता वा कि पिता बड़े चिर बाद मिलया तो मैनू प्यार करेगा, पर पिता के हाथ बन्ने हुए ने, वो पुत्र नू प्यार भी नहीं कर सकया। उस बच्चे नू गोदी दे विचों खोलिया गया, घसीट के लिजाया गया, उहदी छाती चीर दित्ती गई। उहदी छाती चीर के उहदा धड़कदा होया दिल कढ़िया गया। वह धड़कदा होया दिल बंदा सिंह बहादुर के मूँह के विच तुन दिता गया, फिर भी नहीं डोलिया। उस तो बाद वो पुछदा है कि किवें महसूस हो रहा वा, तू अपना जबर अजमा के देख ला, मैं तेनों अपने गुरु का बख्शा होया सबर अजमा के दिखावांगा। बड़ा गुस्सा चढ़िया, हुण बच्चे दियां आंतड़ियां कढ़ियां गईयां। वो आंतड़ियां कढ़ के उहदा हार बना के बंदा सिंह बहादुर के गल विच पा दिता गया। बच्चे का सिर कट के बंदा सिंह बहादुर की झोली दे विच रख दिता गया। जिहड़ा उस वेले जलाद सी उहदा नाम सी अमीर खान, उन्हूं कहा कि बच्चे का खून लैके बंदा सिंह बहादुर के मूँह ते मल दे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 पुत्र, एक 6 साल का पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह जिसकी उम्र 6 साल थी, जो 1699 में पैदा हुआ था, और दूसरा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह जिसकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त के मुगल बादशाह के हुक्म पर वजीर खान ने जब यह कहा, उन पुत्रों से कहा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। उस घटना को पढ़िए, यह कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं है, जरा गोल्डन टेंपल भी जाइए। उन दोनों पुत्रों ने, एक 6 साल के जोरावर सिंह ने और 9 साल के फतेह सिंह ने, उस वजीर खां की आंख में आग डाल के कहा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। तुसी अपना धर्म बदल दे, मुसलमान बन जाओ, तुम्हारी जान छोड़ देंगे। दोनों बच्चों ने जब तक उनके नाक के ऊपर तक ईंटें नहीं रखी गई, न उससे पहले न उसके बाद उनके रोने की एक आवाज नहीं आई। ये कृत्य किया गया और 26 दिसंबर को दोनों की मृत्यु हो गई। Yeah.
बाल दिवस मनाना चाहिए। और यह घटना सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को आप इतिहास के पॉइंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा कुछ हुआ है। भाई माधवदास जिनका नाम था, आप देखिए कि उस कौम ने कैसे कैसे लोग पैदा किए। उन्होंने अमृत चखा और यह प्रण किया, यह कसम खाई कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिसने मारा है, जब तक उसका सर कलम नहीं कर देंगे, हम शिव की औलाद नहीं, हम सनातन की औलाद नहीं। जब उन्होंने अमृत चखा तो उनका नाम बंदा बहादुर सिंह हो गया। बहादुर ढूंढ रहे हैं, सिंह बहादुर के हाथ पैर कट दिते गए। सन्निया गर्म कर करके उन्होंने मास नूं नोचिया गया ते इस तरीके दे नाल उन्होंने शरीरक तौर पर इस दुनिया के विचों खत्म कर दिता गया।